हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग दिखाने वाले हैं माइंस में किस तरह से माइनिंग किया जाता है। दोस्तों, आप लोग घर में कोयला तो बड़ी आसानी से जलाते हैं या प्रयोग करते हैं, पर दोस्तों इसको लाने में, घर तक पहुंचाने में किस तरह से एक माइनर्स को कितनी मेहनत लगती है, आज को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप माइनिंग करते हैं तो इस ये वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, आप माइनिंग के रिलेटेड बहुत ही चीज़ बताने वाले हैं उसके बारे में। दोस्तों, अगर आप माइनिंग कर रहे हैं, जब भी खदान में आइएगा तो अपनी सेफ्टी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखिएगा। दोस्तों, माइनिंग करते हैं तो देखिए, यही जूता आप जो पहन के माइंस के अंदर जाया जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी मजबूत रहता है। जो अगले वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये 5 किलो तक तो कोयला गिर जाए ना तो कोई चोट नहीं लगेगा। दोस्तों, आप माइंस में आइएगा तो ये जूता जरूर पहनिएगा, जो आपके पैर को बहुत ही हद तक बचा देता है। दोस्तों, अगर आप माइनिंग करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाने वाला है ओपन कास्ट माइनिंग में किस तरह से कोयले से निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये गोविंद कोयलवरी है जो धनबाद में पड़ता है। दोस्तों, देखिए किस तरह से माइनिंग किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग पीछे में देख पा रहे हैं कि कोयला निकाला जा रहा है। दोस्तों, अब कोयले के सीम है जो अभी ये ब्लास्टिंग किया जा रहा है। दोस्तों, ये खत्म कुछ 5 साल हुआ है। दोस्तों, ये कोयला के निकालने का प्रोसेस, सबसे पहले जो कोयला होता है वो ज़मीन से कुछ लगभग 500 या फिर 600 फीट नीचे पाया जाता है। तो दोस्तों, ओपन कास्ट माइनिंग में सबसे पहले ओवरबर्डन जितना है वो उठा के ऊपर किया जाता है, उसके बाद दोस्तों नीचे की कोयला को निकाला जाता है। दोस्तों, ओपन कास्ट माइनिंग में स्टॉपिंग रेशियो माइंड रखता है, वो डिपेंड करता है कि स्टॉपिंग रेशियो लेस है तो ओपन कास्ट होगा और हाई रहेगा तो अंडरग्राउंड होगा। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि ओपन कास्ट माइनिंग के फायदा। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि ओपन कास्ट माइनिंग में लागत कम होता है अंडरग्राउंड की तुलना में। दोस्तों, इसमें बहुत ही कॉस्ट लगता है कम और फायदा ज़्यादा होता है। दोस्तों, हम लोग देखिए इधर घूमने आए हैं। दोस्तों, ये ओपन कास्ट माइनिंग आपको दिखाया है, उसी को ओवरबर्डन इधर रखा जाता है, उसके ऊपर हम लोग चढ़े हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए इधर का व्यू, देखिए कितना हैवी आ रहा है। दोस्तों, हम लोग अंडरग्राउंड के ऊपर है, आपको दिखा रहे हैं जूम करके। जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये पुराना माइंस था, अभी यहाँ पर पानी पंपिंग होता है। दोस्तों, हम लोग आधा घंटा चलने के बाद इतना थक गए हैं ना, अब ये हमारे सबसे अभी खाना निकल रहा है जो कि घर से खा के नहीं आया है। दोस्तों, हम लोग कोडरमा से माइनिंग करने आते हैं, डेली हॉस्टल से आना करते हैं। जीवन में दोस्तों एक्सटर्नल लाइफ में बहुत कष्ट होता है, ये तो हम लोग का शुरुआत है। अगर नौकरी नहीं लगा ना तो हम लोग चौपट हो जाएंगे। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह का ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग इस चैनल पर आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।